आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मल्टीपल अकाउंट जो है लॉगिन आप एक ही ऐप्स में कैसे कर सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है आपके फैमिली मेंबर में 3-4 अकाउंट है योनो SBI पे, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग उसका एक्टिव है और सभी लोग जो है सभी अलग अलग मोबाइल में अपना इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप सिर्फ एक ही ऐप्स के जरिए आप सभी अकाउंट को, यानी कि सभी इंटरनेट बैंकिंग के आपके फैमिली मेंबर में जितने भी अकाउंट यूजर नेम और पासवर्ड होंगे इंटरनेट बैंकिंग जिसका भी एक्टिव होगा, तो आप सभी का जो है एक ही एप्लीकेशन में जो है आप उसका यूज कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं एक ही ऐप्स के द्वारा। जो है बिल पेमेंट कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और DTH रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारा चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये कैसे किया जाता है इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलते हैं, वहीं पे सारा कुछ आपको जानकारी दिया जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट लॉगिन करने के लिए आप जो है योनो लाइट SBI को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पहले से एक अकाउंट जो है लॉगिन है, यानी कि एक अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड जो है लॉगिन है। अब इसमें दोबारा आप दूसरा अकाउंट कैसे लॉगिन कर पाएंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ये एज ए पिन से हम जो है लॉगिन कर लेते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो यहां पे चलिए हम यहां से लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो है हम आपको ये अकाउंट सबसे पहले ही लॉगिन किया था और इसका बैलेंस आप यहां पे दे 751 रुपया बैलेंस है, 0 पैसा है। उस अकाउंट का लास्ट नंबर भी देख सकते हैं 20 है। तो यहाँ पर पूरा आपको डिटेल मैंने दिखा दिया। अब इसी में जो है एक और अकाउंट जो है हम आपको लॉगिन करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से चलिए हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद यस कर देंगे। यस करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं सेम प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक अकाउंट लॉगिन होगा और तभी आप दूसरा अकाउंट लॉगिन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको तो एक अकाउंट तो लॉगिन करना ही पड़ेगा, तभी तो आप दूसरा लॉगिन कर पाएंगे। तो यहां पे देखिए रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है नीचे में। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजर नेम हम अपना डाल दिए हैं, उसके बाद पासवर्ड भी हम यहाँ पर डाल दिए, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर कर लेंगे, तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे में एक एक्सेप्ट का बटन है, यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मेरा इंटर एक्टिवेशन एक कोड आएगा जो कि OTP के तरह ही होता है। तो यहाँ पे ये कोड जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आता है, तो यहाँ पर हमको इंटर करके उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए यूजर एक्टिवेशन सक्सेसफुल, तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड पे हम फिर से क्लिक करेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे फिर से हमको जो है यूजर नेम डालना होगा, उसके बाद पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। पहले यहाँ पे सबमिट बटन आता था, अब जो है लॉगिन बटन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद हम लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए व्यू बैलेंस पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1414 रुपया है और 9 पैसा, ये कि जो कि मैंने दूसरा अकाउंट इसमें आपको लॉगिन करके दिखाया योनो लाइट SBI में। तो आप यहां पे देख सकते हैं इसका अकाउंट नंबर का लास्ट अंक यहां पे 14 था, उसका 20 था। तो यहां पे इसको चलिए हम लॉग आउट कर देते हैं। तो लॉग आउट करके यहां पे एस पे क्लिक करेंगे, तो जो मैंने पहले आपको लॉग इन करके दिखाया था जो पहले से लॉग इन था, अब चलिए हम उसको ओपन कर लेते हैं। तो उसको ओपन करने के लिए यहाँ पर ईजी तरीके से हम जो है पिन का उपयोग कर लेते हैं। ध्यान देने वाली ये बात है, ये देखिए 6720 अकाउंट का लास्ट, तो यहाँ पे 6720 जो है 20 अकाउंट का लास्ट, इसका एज ए पिन क्या है यानी कि MPIN क्या है, तो वो आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा जो आप सेट किए हैं रिसेंट में। तो चलिए हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं, उसके बाद ये हम अपना MPIN दे देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है ये सक्सेसफुल जो है ओपन हो जाएगा। देखिए लोडिंग होने के बाद देखिए 6720 जो मेरा व्यू बैलेंस था पहले वाला 751 यानी कि 0 पैसा, ये मैंने पहले ही लॉगिन किया था, जो मैं अब रजिस्टर करके आपको दिखाया हूँ लॉगिन करके, चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लॉग आउट पे हम क्लिक करेंगे और एस पे क्लिक कर देंगे। एस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लॉग आउट हो रहा है।
पे पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद जो आप रजिस्ट्रेशन इसमें किए थे, दूसरा अकाउंट आप जोड़े थे उसमें, उसका यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देंगे। आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। यह देखिए लास्ट में अकाउंट का लास्ट है 14, तो यहाँ पे देखिए व्यू बैलेंस आप देख सकते हैं, यानी कि दोनों ही हम अकाउंट लॉगिन एक ही ऐप्स में, दोनों SBI अकाउंट का जो है इंटरनेट बैंकिंग हम योनो लाइट SBI में लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों अकाउंट जो है आपको बताया कि कैसे लॉगिन करना है। और तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके फैमिली में भी अगर SBI का अकाउंट है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, अगर उसका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव है, तो आप योनो लाइट SBI से 2 या 3 4 जितने भी आप अकाउंट लिंक करना चाहते हैं यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, और उसका एक ही ऐप्स के जरिए आप लॉगिन करके मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट, फोन रिचार्ज, DTH रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे एक ही योनो लाइट SBI ऐप्स में 2 या 3 अकाउंट को लॉगिन करना है। सेम प्रोसेस यही है, आप लॉगिन कर सकते हैं। तो SBI में जो आप मल्टीपल अकाउंट को लॉगिन करके आप उसे यूज कर सकते हैं। तो अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।